नमस्कार दोस्तों, सुमीज़ यमी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए पनीर की एकदम शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। यह है अफ़गानी पनीर, या पनीर अफ़गानी कह सकते हैं आप। इस रेसिपी को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास पनीर और खूब ढेर सारा हरा धनिया है, बस आप तुरंत इसे बना सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें हमारे रसोई में मिल जाती हैं और कुछ खास इंग्रेडिएंट इसमें नहीं लगता है। जनरल जो चीज़ें हमारे घर में होती हैं, बस वही हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, ये होममेड पनीर है। तो इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच बटर और एक चम्मच दही डालकर हम इसे मैरिनेट करेंगे। साथ में थोड़ी सी हरी धनिया भी डालेंगे काटकर। हरी धनिया का फ्लेवर ही इस रेसिपी का सबसे अच्छा पार्ट है और ये बहुत सारा डलता है इसमें। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हल्के हाथों से मिक्स करें वरना पनीर टूटने लगता है। तो दही डालना मैं भूल गई थी, तो दही अभी डाल दे रही हूँ और फिर इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसे बहुत ज़्यादा देर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 5 मिनट ढककर रखना है, बस ये मैरिनेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक बंच पूरा हरा धनिया ले लेंगे साफ़ करके, अच्छी तरह धोकर। और इसके डंडी वगैरह हटाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ ख़राब पत्ते हैं वो आप हटा दें। और इसे रफली चॉप कर लेंगे। अब इसके साथ हम लेंगे 2 प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्चें और 5 से 6 लहसुन की कलियां। सभी चीज़ों को मोटा मोटा काट लेंगे और हमें इन्हें थोड़ा सा भूनना होगा। बहुत हल्का भूनना है, बहुत पकाना नहीं है, सिर्फ इनका कच्चापन चला जाए इतना ही भूनना है। तो भूनने के लिए भी हम आधे चम्मच बटर का यूज़ करेंगे। बटर डालने से इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर में बनाएं या घी में बनाएं तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो यहाँ पर पैन में मैंने आधा चम्मच बटर डाला है। पहले हम इसमें पनीर को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा था वो फ्राई कर लेते हैं। दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है, तो हाई फ्लेम पर फ्राई करें। इससे पनीर सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं होगा। तो मैंने दूसरे तरफ ट्रांसफ़र कर दिया पैन को हाई फ्लेम के साइड में, और इसे पलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। और उसके बाद हम इसे तुरंत ही दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। तो सभी पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा बटर और डालेंगे, और जो हमने प्याज अदरक लहसुन और हरी धनिया काट कर रखा था हरी मिर्च के साथ, वो इस बटर में भून लेंगे। भून कर जब हम इसका पेस्ट बनाते हैं तो काफ़ी क्रीमी बनता है और प्याज वगैरह का टेस्ट भी पक जाने के कारण बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का। तो 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे भूनना है। कलर नहीं चेंज करना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है हमें। तो गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच दही डालेंगे। ये ताज़ी दही है, खट्टी दही नहीं यूज़ करना है इस रेसिपी में। और 1 चम्मच भर के ही जितना हमने दही डाला है उतना ही फ्रेश मलाई डालेंगे। जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है वही मलाई लिया है। अब इसे पीस कर एकदम फाइन पेस्ट हमें तैयार करना है।
तो अब इसी पैन में जिसमें हमने मसाला भुना था एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, तो यहाँ पर एक तेज पत्ता मैंने लिया है, दो तीन लौंग की कलियाँ, एक इंच दालचीनी, आधी चम्मच जीरा और एक बड़ी इलायची। सभी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेना है। जब ये फूटने लगे तब इसमें जो हमने मसाला पीस कर तैयार किया है वो डाल देंगे। हरी धनिया खूब सारी डालने की वजह से उसका ग्रेवी का कलर भी एकदम बहुत अच्छा आता है। तो ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने निकाल लिया सभी मसालों को, वेस्ट नहीं होना चाहिए मसाला। अब लो फ्लेम पर इसे भूनना है। अब इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले भी ऐड करेंगे, तो एक चम्मच धनिया, चौथाई चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, नमक हमने पनीर में भी डाला है तो नमक अंदाज से डालें, और काली मिर्च चौथाई चम्मच, आधी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, गरम मसाला चौथाई चम्मच डालेंगे, सभी चीज़ों को मिक्स करके लो फ्लेम पर भूनें थोड़ी देर तक। ये मसाला भी तुरंत भूनकर तैयार हो जाता है क्योंकि ये पका हुआ है पहले से, बहुत टाइम इसमें नहीं लगेगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में मसाले से ऑयल रिलीज़ होने लगेगा। हमने इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ किया है, जो बटर थोड़ा डाला है और एक चम्मच ऑयल डाला है, और जो मलाई डाला है उसका ऑयल, सभी मिलकर थोड़ा सा ऑयल दिखने लगे ऊपर से, तब हम इसमें आधा कप दूध डाल देंगे क्योंकि ये मसाला बहुत थिक हो गया है। दूध डालने से ये और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें हम फ्राई किए हुए पनीर डालेंगे और मिक्स करके 2 मिनट तक सिर्फ इसे पकाना है ढककर, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएं वरना पनीर टूटने लगेगा, ये बहुत सॉफ्ट पनीर है। तो कवर करके 2 मिनट तक सिर्फ पकाएं और उसके बाद ये लाजवाब सी पनीर अफगानी तैयार है। इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, लंच या डिनर किसी भी टाइम, बहुत ही डिलीशियस और फटाफट बन जाने वाली लाजवाब सी रेसिपी तैयार है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये रेसिपी मेरे एक सब्सक्राइबर ने डिमांड की थी इसीलिए मैं ये रेसिपी डाल रही हूँ। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।